इस चीज की मैं बात कर रहा था कि अब आप नोट कर रहे हैं चीज़ ये भी हुई कि जो चीज़ मैंने इस वीडियो में कन्वे करना चाहिए, चीज़ जो बताना चाहिए, जो मसला मैंने बताना चाहा, वो बात जो है ना वो कोई 20-30% लोगों को समझ आई। ज़्यादातर बंदों को वो बात समझ नहीं आई थी। कुछ बंदे कुछ सेंस में उसको ले रहे थे, कुछ बंदे कुछ सेंस में उसको ले रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत से लोगों ने रब्ता भी किया, बहुत से लोगों के मैसेजेस, कमेंट, कॉल्स भी आई, चीज़ों को हैंडल करने की सबने ट्राई की, सबने हेल्प करने की ट्राई की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया यार। जब मैंने वो सारे कमेंट्स वगैरह पढ़े, मैंने वो सारा कुछ देखा, मैं आपको एक यकीन मानो तो एक सीधी बात बताऊँ, मैं पहले अपनी वो चीज़, वो कहते हैं ना वैल्यू इम्पोर्टेंस, वो मुझे अपनी पता ही कोई नहीं थी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने कहा भाई हम छोटे मोटे लल्लू पंजू कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, हमें किसने को पूछना है। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, मैं कहता हूँ सपोर्ट, तो फिर आपका भाई दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वापस है, ऑन रोड है, अपनी गाड़ी के अंदर है, और वही हमारा बैटरी वाला साइन अभी तक है। ये बैटरी वाला साइन क्यों नहीं किया, ये बैटरी वाला साइन इसलिए नहीं किया कि भाई बैटरी हमने रात को आपको पता चार्जिंग पर लगाई थी, लेकिन रात को मैंने लगाई थी वो इस तरह लगाई थी जिस तरह आप सोलर वाली बैटरी चार्ज करते हो ना, वो सीन होता है। लेकिन मेरी वो भी वापडा से करंट देगी, मैं उसको कर रहा था, तो वो बैटरी जो मेरी है वो इस तरह प्रॉपर फिर भी चार्ज नहीं हुई, तो इतना हुआ कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। फिलहाल की बात ये है कि आपका भाई इधर ऑन रोड है, सुबह सुबह टाइम इस टाइम हो रहा है कुछ 6 बजे का, तो आपका भाई कह रहा था जरा मॉर्निंग में ना जरा थेरापी की जाए, माइंड थेरापी थोड़ी गाड़ी के साथ ना, यू नो ना, पॉप्स एंड बैंग्स एंड पॉपकॉर्न्स एंड मैरी मच। तो हूँ ही मैं अकेला ही। अब सीन ये है कि थोड़े से रन मारते हैं यहाँ पे, बाकी और कुछ करने को है नहीं आज हमारे पास। आज हम आपको रन मारेंगे, गाड़ी के थोड़े से पॉप सुनाएंगे, तो चलें कंटिन्यू करते हैं।
माशाल्लाह ये थे हमारे थर्ड गियर के पटाखे। सेकंड गियर में तो यार बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, और ज्यादा लाउड हो जाता है। अभी ये थे हमारे थर्ड गियर के एज यू कैन सी, और हम ट्राई करते हैं फोर्थ गियर में। माशाल्लाह फोर्थ गियर का ये पटाखा बहुत प्यारा है, जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था उससे ज्यादा लाउड ही है, क्योंकि मुझे लगता था कि फोर्थ गियर में नहीं मारेगी, लेकिन फोर्थ गियर में माशाल्लाह बड़ा लाउड और बड़ा पपू मारती है। अभी मेरे साथ और कोई दूसरा बंदा भी नहीं है, ना और कोई बाइक गाड़ी है जो इसकी बाहर से वीडियो बना सके साउंड की, ना कि क्या इफेक्ट है बाहर का नहीं। एक तो मेरा दिल कर रहा है कि कैमरा रख के जाता हूँ पीछे से, जरा ना फ्लाई बाय देता हूँ उसको, लेकिन मैं क्या ऐसे ना हो वापस आए तो फिर कैमरा ही ना, मोबाइल ही ना हो, तो फिर हम फिर फ्लाई बाय के चक्कर में हम फ्लाई फ्लाई ना हो जाए ना। तो ये सीन है। बाकी तो गाड़ी माशाल्लाह पसंद आई हो तो भजन माशाल्लाह बोल देना प्लीज, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता दिखाने का इसको, क्योंकि यार मैं बहुत डरता हूँ, यकीन मानो मैं बहुत डरता हूँ इस मामले की, यार कोई प्लीज यार माशाल्लाह बोल देना। बाकी अगेन थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, और 2000 कंप्लीट करा दो यार, 2000 कंप्लीट करा दो। तो सीन यही था, बाकी अभी थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। बाकी ओवरऑल कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास आज करने को, ज़्यादा क्यों नहीं आज करने को, क्योंकि यार आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट भी बंद होती है। गाड़ी के दो तीन काम मुझे याद आए हैं, दो तीन काम मेरी नज़र में आए हैं, जिनमें से सबसे पहले ये है कि यार आपको अगर याद हो कि हमने गाड़ी का रेडिएटर साफ़ कराया था, रेडिएटर साफ कराया था, कि यार उसके बाद ना आप लोगों ने मुझे याद कराया, ना मुझे खुद याद रहा कि वजन गाड़ी में कूलेंट भी डालना है। हमने गाड़ी पानी में चला रहे थे शादी कि इसकी तरह एक दफ़ा अंदर से सफाई सफुई अच्छी तरह हो जाए तो उसके बाद हम इसमें कूलेंट डालेंगे, तो वो ना उसके बाद मेरे जहन में रहा, ना आपके जहन, ना आप लोगों ने याद कराया मुझे। खैर अब सीन कुछ ऐसे है कि आज तो फ्राइडे, आज कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद तीन काम इसके ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं। उन तीन कामों में से सबसे पहले जो काम है ना वो हमने करना है कि इसकी जो बैटरी है ना, बैटरी चार्ज करानी है। एक तो बैटरी चार्ज कराने के बाद जहाँ बैटरी फिक्स होती है ना, वो लोहे का जो उसका फ्रेम होता है, वो हमारा ना बड़ा ख़राब हुआ है। बैटरी कल मैंने खोल के देखा तो बैटरी एक साइड पर गिरी हुई थी, वो फ्रेम हमने नया लगवा लेना है, उसको वेल्ट शेल्ट होता है वो नया लगवा लेना है, क्योंकि बैटरी अपनी जगह पर अलाइनमेंट में अपनी पोजिशन में सीधी रहे। एक वो फ्रेम लगवाना है। दूसरे नंबर पे हमने क्या काम करना है, बैटरी वाला काम कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे हमने ये काम करना है कि यार गाड़ी का जो फैन है ना वो है डायरेक्ट, उसको कराना है ऑटो पे, क्योंकि आगे मौसम आ रहा है थोड़ा ठंडा हो रहा है, और मैंने सुबह गाड़ी स्टार्ट की है तो मैंने एक बात वो फील की है कि गाड़ी को ना मैंने नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि थोड़ा गर्म करने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। गाड़ी बहुत ठंडी हो जाती है सुबह, तो स्टार्ट तो हो जाती है, स्टार्ट में तंग नहीं करती, लेकिन फिर भी ना गाड़ी का एक वो जो यानी कि जो उसकी एक्सलरेशन होती है ना वो बता रही होती है, उसका रैप बता रहा होता है कि यार गाड़ी ठंडी है, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो बिल्कुल यानी कि स्टेबल हो जाती है। सुबह सुबह गाड़ी जरा ना ऊपर नीचे जो ना हो, बात कर रहा था कि अब आप नोट कर रहे हैं गाड़ी होगी गर्म, इसका ना एग्जॉस्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, और अब ये अब बिल्कुल अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे गाड़ी खड़ी हुई है, उसका आप जो गाड़ी की एक्सलरेशन है जो यानी कि स्पीड जिसको आप बोलते हैं वो उसका आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, कोई कुछ नहीं है। इसको ये चीज़ जो है ना
ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ये बहुत मुश्किल से आती है। गाड़ी ठंडी हो जाए तो बस ये फिर बुड़बुड़ वो चीज़ करती रहती है। अब बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पप्पू अपनी कंडीशन में खड़ी हुई है। बाकी थोड़े से शॉर्ट्स लेने थे हमने, वो लिए हैं, अब निकलते हैं। इंटीरियर की अभी सफाई होनी हुई भी सही तरह, क्योंकि वो आपको पता है मैंने मैट अक्सर मैं निकाल के रखता हूँ, क्योंकि भजन बड़े महंगे मैट हैं, वो मैंने ज़्यादातर नहीं डालता मैं, कोई मैंने सस्ते वाले लेने हैं, वो ला के थोड़ा भरा पाएगा महंगे वाले आपा कभी कभी पाया करेंगे, ठीक है ना। बाकी इंटीरियर जो है ना वो ना गंदा है ना ज़्यादा साफ है, तो यही कंडीशन है कुछ ऐसे ही हमारी। सो जी बॉयज, अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसका हर गियर का पटाखा। पहले का नहीं चेक कराएंगे यार, पहले का ना, पहले का पटाखा मारना गाड़ी के साथ मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादती है। हेलो, मैं मारना नहीं सी गियर शिफ्टिंग के दौरान, साहब ही मारते पटाखे फड़ के। बॉयज, आपका भाई पहुंच चुका है घर। मुंह पे हमने किया है थोड़ा सा फ्रेश खर्चा, क्योंकि आज जुम्मा था, हमने कहा कर लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो बाकी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे हम एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, शॉर्ट सी वीडियो होगी, बाकी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमने नहीं किया, क्योंकि यार मेरी थोड़ी तबीयत भी बुम बुम है और मुँह में छाले भी निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। तो आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। सुबह सुबह एनर्जी लो है, इसलिए लो है कि मुंह में छाले निकले हुए हैं और बोला नहीं जा रहा ब्रो। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।